will tell you about exclamatory sentences and optative sentences. पिछले दो लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि assertive sentences क्या होते हैं, ये जो सिंपल थे उन सेंटेंसेस के बारे में हमने पढ़ा. आज का फिर कल हमने पढ़ा था दूसरे लेक्चर में कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनको बनाया कैसे जाता है, इनकी पहचान कैसे है, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं. सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की पहचान कैसे है. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें आपको या तो खुशी के लिए, या तो राम के लिए, या हैरत के लिए फिक्र मिलेगी. जिस फिक्र में आपको मिलेगा हुर्रा, जिस फिक्र में आपको मिलेगा एडॉस ओह या आह, या जिस फिक्र में आपको हाउ मिलेगा या बट मिलेगा, इनसे आप पहचानेंगे कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं. अब जहां पर जिस फिक्र में हुर्रा आ जाएगा उसमें आपने करना क्या है, ये खुशी को जाहिर करता है. तो आपने इसमें सैड वगैरह को खत्म करके आपने एक्सक्लेम विद जॉय लगाना है. और जहां पर एडॉस ओह या अला आ जाएगा ये गम को जाहिर करते हैं. इस तरह के सेंटेंसेस में आपने लिखना है एक्सक्लेम विद सॉरो. इसी तरह जहां पर हाउ आ जाएगा और व्हाट आ जाएगा ये हैरत को जाहिर करते हैं. इनमें आपने एक्सक्लेम विद वंडर लगाना है. और जहां पर जिस फिक्र में हाउ आ जाएगा उसमें आपने करना यह है कि हाउ की जगह वेरी का इजाफा कर देना है. अब जो एक इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक अहम चीज है, वो आपने ये याद रखनी है कि व्हाट, हाउ, एडॉस या हुर्रा, ये जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, जो सबसे ज्यादा अहम चीज है कि इन चीजों को आप खत्म कर देंगे, ये चीजें खत्म हो जाएंगी. इसी तरह से जब बारी आई कॉमास की, कॉमास को खत्म करने के लिए आपने डैट लगाना है, कॉमा खत्म हो गए, कॉमास खत्म हो गए. इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क हमें मिलता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को खत्म करने के लिए आपने फुल स्टॉप लगा देना जब आप इनडायरेक्ट बनाएंगे. अब हम फिक्र देखेंगे, जैसे शी सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच. अब इस हुर्रा से हमें पता चलता है कि ये खुशी वाला सेंटेंस है, खुशी का इजहार किया जा रहा है. अब इस हुर्रा को तो हम खत्म कर देंगे, ये हो जाएगा खत्म. और इस सेड की बजाय हमने लगा देना है एक्सक्लेम्ड विद जॉय. इसमें प्रोनाउन और बाकी जो तब्दीलियां हैं उसी तरह से होंगी. अब हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय. अब कमास को खत्म करने के लिए हमने लगा दिया है. अब फिर दूसरे हिस्से में सबसे पहली चीज हम देखेंगे कि पर्सन कौन सा है. अगर यह पर्सन फर्स्ट यानी या आई है या वी है या इनकी हालतें हैं, तो ये फर्स्ट पर्सन है, इसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट के साथ. अगर इधर होता सेकंड पर्सन, हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करते. अगर इधर होता थर्ड पर्सन तो हम नो चेंज कर सकते, हम किसी के साथ तब्दील ना करते उस थर्ड पर्सन को सीधा से लिख देते. अब जब हम इसकी तरफ जाते हैं चेंज करने के लिए, ये सब्जेक्टिव केस में है, इसका जब हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं अब ये ज्यादा है, ये एक है. अब जब ये इसके साथ जाएगा हम इधर शी नहीं लिख सकते क्योंकि ज्यादा की बात हो रही है. तो इसका हल ये है कि हम इसकी बजाय दे इस्तेमाल कर रहे हैं. ये हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे. अब है तब्दील हो जाता है हैड में, हम इसको तब्दील कर देंगे हैड में, दे हैड. बाकी उसी तरह से लिख देंगे बॉन द मैच. अब इस फिक्र को अगेन देखें ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए. शी सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच. अब हुर्रा से हमें पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कौन सा है, खुशी वाला है. अब इसमें हमें करना क्या है, हुर्रा को तो खत्म कर देना है, लेकिन इसकी बजाय हम लिखेंगे शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय. कमास को खत्म करने के लिए हमें लगा देना है दैट. अब फिर जब दूसरे हिस्से में आएंगे हमें वहां पर मिलेगा वी यानी फर्स्ट पर्सन है. अब जब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ तब्दील होता है, जैसे ही हम इसकी तरफ जाते हैं अब इधर ज्यादा है
ये आ जाएगा दे। अब हैव में तब्दील हो जाता है तो हम लगा देंगे हैड वन द मैच। सेकेंड सेंटेंस देखें, ही सेड टू अस आई एम रोइंग। अब इसमें दुख का गम का इजहार किया जा रहा है। अब करना यह है इस इलाज को हमने कर देना है खत्म। अब इसकी जगह हमने लगा देना है ही एक्सक्लेम विद सॉरो। कॉमास को खत्म करने के लिए दैट। अब फिर देखेंगे पर्सन कौन सा है। पर्सन फिर फास्ट है, ये फर्स्ट पर्सन तब्दील होता है सब्जेक्ट के साथ। जिस हालत में ये है उसी हालत में हम इसको उदाहरण करेंगे। अब ये आ जाएगा ही, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस में है यानी पहली हालत में है तो इसकी भी पहली हालत लिख देंगे यानी ही। अब इज और एम हमेशा तब्दील हो जाते हैं बाद में। अब जो है एम तब्दील हो जाएगा बाद में, ही वाज रोइंग। इसके बाद थर्ड सेंटेंस, ही सेड ए लॉस वी कैन नॉट डिफीट आवर एनिमीज। अब इसका भी उसी तरह से करना है, इसको हम खत्म कर देंगे। इलाज से हमें पता चल रहा है कि ये दुख वाला है, गम वाला फिक्र है, गम वाला सेंटेंस है, तो इसके लिए हमें भी उसी तरह से करना है ही एक्सक्लेम विद सॉरो। अब दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि पर्सन कौन सा है। वी फर्स्ट है, वी फर्स्ट पर्सन है। अब ये दोबारा जब लिंक करेगा इसके साथ अब ये भी है सिंगुलर है यानी ही है एक है। अब इसका हल जिस तरह से हमने फर्स्ट सेंटेंस में किया था कि इनकी बजाय हमने दे लगा देना है, दे आ गया। अब फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि कैन तब्दील हो जाता है कुड में। अब ये कैन जो है कुड में तब्दील हो जाएगा, नॉट उसी तरह से लिख देंगे डिफीट। अब फिर ये आवर है, आवर भी पर्सन है। पर्सन जहां पर आए हमने चेंज करना है। अब पर्सन को फिर चेंज करने के लिए हम ये देखेंगे कि ये पर्सन कौन सा है। आवर फर्स्ट पर्सन है, वी आवर यानी वी की दूसरी आवर है। अब ये दोबारा जाएगा इसके साथ सब्जेक्ट के साथ, अब इसकी दूसरी आवर लगेगी क्योंकि हमने इसकी बजाय दे इस्तेमाल किया था, इसलिए दे की दूसरी आवर लगेगी देयर, डिफीट देयर एनिमीज। इसके बाद सेंटेंस नंबर फोर, ही सेड हुर्रा आई एम ऑन द मेडल। अब इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है, इस सेंटेंस में हमें पता चल रहा है इस हुर्रा से कि ये खुशी वाला फिक्र है। अब खुशी वाले सेंटेंसेस में हमने एक्सक्लेम विद वैन लगाना है, ही एक्सक्लेम विद जॉय। अब दूसरे हिस्से में हम देखेंगे पर्सन कौन सा है। पर्सन फर्स्ट है, फर्स्ट पर्सन जब होगा तो हम सब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, ये आएगा इसके साथ चेंज होने, जिस हालत में ये है इसको उसी हालत में लिख देंगे, ये आ जाएगा ही। अब है तब्दील हो जाएगा हैड में वन द लेटर। इंतहाई इजी सेंटेंसेस है। इसके बाद बदनाम सेड हुरा आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज। अब इस सेंटेंस में भी खुशी का इजहार किया गया है, इस हुर्रा से हमें पता चल रहा है। अब हुर्रा को तो हम खत्म कर देंगे, इसकी बजाय हमें लिख देना है अदनान एक्सक्लेम विद जॉय। अब कमास को खत्म करने के लिए डायरेक्ट लगा दिया। अच्छा जी, ये आ जाएगा अदनान एक्सक्लेम विद जॉय दैट। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये लिंक करेगा अदनान के साथ। अदनान का अब हमें प्रोनाउन लिखना है यानी ही हैड गॉट द फर्स्ट प्राइज। अच्छा जी, अब आ जाएंगे हम इस सेंटेंस में, ही सेड ए लॉस हाउ फुलिश आई एम। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम सीधा करेंगे। अब करने के लिए इस हाउ की जगह हमने वेरी का वर्ड इस्तेमाल करना है।
बारे में बताया जा रहा है। तो हम इधर लिखेंगे ये एक्सक्लेम विद सॉरो, ये खत्म हो जाएगा। तो पास को खत्म करने के लिए हम डैट लिखेंगे, ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट। अब आ जाएगा इस तरह से सीधा करेंगे ये आई एम वेरी फुलिश, सिंपल में बन जाएगा ये आई एम वेरी फुलिश। अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, आई फर्स्ट पर्सन में ये नहीं करेगा, इसके साथ ये असल हालत में आ जाएगा ही, अब एम तब्दील हो जाएगा वाज में, ही वाज वेरी फुलिश, ये ऐसे बन जाएगा। अच्छा जी, ही सेड व्हाट आई फाइंड इट इज टुडे। अब इसमें हैरत का इजहार किया गया है, जिसमें हैरत का इजहार किया जाए उसमें हमने वंडर लगाना होता है। अब हम लिखेंगे ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर, कमास को खत्म करने के लिए दैट। अब ये व्हाट आ खत्म हो जाएगा, अब हम इसको थोड़ा सा सीधा करेंगे, ये इट इज है ये बन जाएगा इट वाज, इट वाज अ वेरी फाइन डे, दैट डे यानी टुडे में दोबारा चेंज होगा ये दैट डे। अब इसको इस सेंटेंस को देखें, द बॉय सेड ही लॉस्ट माय फादर हैज डाइड। अब इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये गम को जाहिर कर रहा है। हम इधर लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम विद सॉरो, कमास को खत्म करने के लिए दैट, ये उड़ा दिया हमने। अब माय फादर माय फर्स्ट पर्सन है, अब ये लिंक करेगा इसके साथ द बॉय के साथ, द बॉय का हिज फादर, हिज फादर हैड डाइड। अब जरा दोबारा इनको देखें, मैं शुरू से रिपीट करा देता हूं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जिनमें हमें खुशी गम या हैरत मिलती है, ऐसे सेंटेंसेस जो खुशी के बारे में बताते हैं, गम के बारे में, या उन फिक्रों में हमें हैरत हैरानी का इजहार हमें मिलता है। अब खुशी के लिए हमें होगा मिलेगा, इसकी बजाय हमने लगा देना है कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय, यानी जहां पर हो रहा है हमने एक्सक्लेम्ड विद जॉय का वर्ड इस्तेमाल करना है और ये हो रहा को खत्म कर देना है। अब एलॉस और या आह ये गम को जाहिर करते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस में हमें एक्सक्लेम्ड विद सॉरो का वर्ड इस्तेमाल करना है। हाउ और बट ये हैरत को जाहिर करते हैं और इसमें हमें एक्सक्लेम्ड विद वंडर का वर्ड इस्तेमाल करना है। और जहां पर अमूमन हाउ लगता है वहां पर हमें वेरी का जवाब भी हम कर देते हैं। अच्छा जी, अब व्हाट हाउ एलॉस और हुरा जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे इनको खत्म कर देंगे, कमास को खत्म करने के लिए हमें दैट बताना है, एक्सक्लेमेटरी मार्क को भी खत्म कर देना है और फुल स्टॉप बताना है। अब जिस तरह से ये फर्स्ट सेंटेंस था, शी सेड हुरा वी हैव वॉन द मैच, अब इसको बनाने के लिए हमने क्योंकि हुरा की वजह से हमें पता चल गया कि ये एक्सक्लेमेटरी है, यानी इसमें खुशी का इजहार किया गया है, शी एक्सक्लेम्ड विद जॉय के हम लगा दिया कमास को खत्म करने के लिए दैट दे हैड वॉन द मैच। अब ये हैड इस हैड की वजह से है, यानी हैव हैड में तब्दील हो जाएगा। He said, "Elos, I am worried." अच्छा जी, he exclaimed with sorrow. कमास को खत्म करने के लिए that लगा दिया, ये elos खत्म हो जाएगा। अब ये हो जाएगा first person है, लिंक करेगा subject आ जाएगा, अपनी जिस हालत में ये है उसी हालत में हम subject को ले आएंगे, यानी he was run. अब am was में का तब्दील हो गया। अब आ जाएगा कि he said, "Elos, we cannot defeat our enemies." अब इसमें जो can है, can को हमें good में तब्दील कर देना है। अब ही एक्सक्लेम विद सॉरो, कमास को खत्म करने के लिए हमने दैट लगा दिया, ये थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, दैट लगा दिया। इसके बाद हमने हम क्या करेंगे, ये वी जब इसके साथ लिंक करेगा, क्योंकि इधर बात ज्यादा की हो रही है, इधर जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो हम इसकी बजाय हमने दे का वर्ड इस्तेमाल कर देना है। ही एक्सक्लेम विद सॉरो दैट दे कुड नॉट, कैन कुड में तब्दील हो जाएगा, नॉट डिफीट देयर एनिमीज, यानी ये आवर फिर फर्स्ट पर्सन है, ये दोबारा लिंक करेगा इसके साथ, लेकिन इधर ज्यादा की बात हो रही है, इधर एक है, इसलिए हमने दे के हिसाब
दे और दे आर, हमने दे आर को इस्तेमाल कर देना है, दे आर एनिमीज। अब आ जाएगा ही सेड और आई हैव वन द मैडम, ही एक्सक्लेम विद जॉय, तमाश को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया, ही हैड वन द मैडम, ये हैव हैड में चेंज हो जाएगा। अदनान सेड और आई हैव गॉट द फर्स्ट प्राइज, अदनान एक्सक्लेम्ड विद जॉय इस और की वजह से, तमाश को खत्म करने के लिए दैट लगा दिया। अब ये फर्स्ट पर्सन का लिंक करेगा अदनान के साथ, अदनान का प्रोनाउन इस्तेमाल होगा, ये नहीं है कि हम अदनान लगा देंगे, नहीं उसका प्रोनाउन लिखेंगे। He had got the first prize. He said, "Boss, how foolish I am." अब इसको थोड़ा सा हमने सीधा कर देना है। अब how की बजाय हमने where का वर्ड इस्तेमाल कर दिया। ये बन जाएगा। He said, he exclaimed with sorrow that he was very foolish. He was very foolish. He said, "What a fine day it is today." अब इसमें हैरत पैदा किया गया। He exclaimed with wonder that it was a very fine day. That day. अब आपने इसको थोड़ा सा फिक्र को सीधा करना। The boy said, "Boss, my father has died." The boy exclaimed with sorrow that his father had died. ये थे exclamatory sentences. अब हम